है कप्तान साहब आ जाओगे कप्तान सर बैजो तुम बैजो प्लीज बैजो जमीन कितने नाम कर गए सी मेरा काम है मैं तुम इंसाफ दवा लाई हां तुसी पुकार तुसी एक हाथ नहीं जोड़ने तुम जस्टिस मिलेगा हाथ अपन वाहे गुरु अगे जोड़ने ने ठीक है मैं तुहाडी करके आई हां इत्थे एसएसपी साहब मेरे नाल आए ने तहसीलदार साहब किथे ने जी जी अच्छा तहसीलदार नु बुलाया तुहाडी जड़ी बिल बच्चिया दे नाम हुई है मेरे डीसी साहब नाल गल होगी कैंसल कर दित्ती जाएगी एक हफ्ते दे अंदर जमीन दोबारा तो तुहाडे नाम चढ़ जाएगी ऑर्डर आज कर दिते गए ने मैं मीटिंग करके आई हां एसएसपी साहब की मौजूदगी च डीसी साहब तहसीलदार साहब इन्हां दी कढ़ाए जान कागज दोबारा तो डीसी साहब नाल तुहाडा कोऑर्डिनेट होएगा ए वसीयत कैंसिल होएगी दिस इज माय ऑर्डर इंप्लीमेंट होना चाहिए था एक हफ्ते के अंदर डीसी साहब नाल तुहाडा स्ट्रांग कोऑर्डिनेट होएगा एसएसपी साहब की मौजूदगी च जो डिसीजन होया माता जी दी जड़ी प्रॉपर्टी बच्चियां दे नाम है वापस माता जी दे नाम होएगी माता जी साडा जिहड़ा इत्थे गुरदासपुर दा साडे एसडीएम ने साडे डीसी साहब ने तुहाडे कॉन्टैक्ट विच रहणगे जे तुसी उस जमीन नू दोबारा तो ठेके ते देना चाहुंदे हो ओह वी ओह साडा स्टाफ करवा के देगा साडे अफसर साडे सीनियर अफसर बहुत कंसर्न ने इस मैटर नू लैके आपां पूरे पंजाब विच इक तुहाडे वास्ते इक एग्जांपल सैट करना चाहुंदे आ कि मां-प्यो दा हक बच्चे को माता जी ओ सिर्फ ठेका तुहाडे अकाउंट विच पैसे जाणगे जमीन तुहाडे नाम चढ़ जाएगी ते आपां अफसरां दी ड्यूटी लावांगे ओ जिहड़ा ठेका आया करेगा जमीन दा ओ सारे दे सारे पैसे तुहाडे अकाउंट विच जाणगे होर जे तुहानूं कोई हुण धमकी दिंदा है उस दिन तुसीं मैनूं कल फोन ते दस्सिया कि जत्थेदार जिहड़ियां जत्थेबंदियां ते पंचायतां ने जबरदस्ती तुहाडे तों करा लिया ऐ की ए दिखांदे आ ना ए दे के गए ए खर्चा ਦਿੱਤਾ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹ 2500 ਰੁਪਏ ਜਦੋਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਹਾਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੰਪੂ ਕਿਹੜਾ ਤੇ ਟੈਂਕੂ ਕਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਕੇ ਤੁਮਾਂ ਬੈਠੀ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗੀ ਫੂਕੂ ਕਿੰਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਇੱਧਰ ਆਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਗੱਡੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਤੋਲੇ ਭਰਾਵਾ ਤੋਂ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਇੱਥੇ ਆ ਬੈਠੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲੱਤਾਂ ਵੱਢ ਦਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਆਏਗਾ ਲੱਤਾਂ ਵੱਢ ਦਾਂਗੇ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੇ ਕਿ ਹੁਣ ਲੱਤਾਂ ਵੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਤਾ ਜੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਦ ਸਮਝਿਆ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਈਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਵਸੀਅਤ ਚੜ ਜਾਏਗੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖੋਲ ਲਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਪਰ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਗਾਹ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਹਾਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦੇਣੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਮਦਾ ਆਫੀਸਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਛੱਡੀ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਜੀ ਇਹ ਨਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ
दोबारा तो फोन ते मैं गल करांगी जिला गुरदासपुर यार मैडम एक बाइट चाहिए ऐसा कुछ नहीं है हमारी नजर में, अगर कोई ऐसा है तो हिम्मत दिखाए ना आगे आने की। उन्होंने आपको कॉन्टेक्ट भी किया लेकिन वो फोन पे कोई बताइए, कोई एक भी बताइए, कोई मेरे कॉन्टेक्ट में ऐसा केस नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसको एडवांस सब कुछ टेक्नोलॉजी हो चुकी है, अगर कोई आगे ही नहीं आना चाहता तो उसमें मीडिया या कमीशन या पुलिस डिपार्टमेंट क्या कर सकता है। अगर ऐसी कंप्लेंट आती है देखो माता जी मिलन आए से डीसी साहब ना सडे बड़े सीनियर उमदा ऑफिसर पुलिस ऑफिसर मेरे नाल भी एसएसपी साहब हैगे ने मेरे नाल ही अपना गुरदासपुर में मीटिंग करके आई है। तहसीलदार दी आज ड्यूटी लगाएगी, फाइनल हो चुका है कि यह वसीयत जड़ी बच्चियां दे नाम है कैंसिल होएगी क्योंकि यह कानून आ चुका है। माता जी नु इस राइट्स पते पारे पता नहीं सी, वसीयत कैंसिल होके माता दे नाम जमीन दोबारा चढ़ेगी और सरकारी अफसरां द्वारा ही उन्हां दी जमीन नु ठेके ते दित्ता जाएगा। पूरे एग्जाम्पल है, पूरे पंजाब विच एक है सीनियर पेरेंट्स हस्ते सिर्फ ऐसे करके आई हैं कि एक एग्जाम्पल सेट होए कि माँ प्यो दी हरासमेंट करता कोई नहीं कर सकता। तो उनके लिए मैं मीडिया का भी धन्यवाद कर दी हूँ। जबरदस्ती माता जी का एक बयान, माता जी के बयान के आधार पे ही कैंसिल होएगी। मेरे पुत्रा ने क्या टंगा वड दंगे मैं गल करना चाहती हूँ।